नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से खेती में शैम्पू का प्रयोग करने की काफ़ी लोगों ने सलाह दी है और हमारे किसान भाई शैम्पू का प्रयोग अपनी फसल में कर भी रहे हैं। कुछ किसान भाई जब अपनी फसल में छिड़काव कर रहे होते हैं तो उस समय शैम्पू का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी दवा पत्तों पर अच्छे तरीके से फैले, पत्तों पर चिपकी रहे, जिससे शैम्पू स्टिकर का काम करे। इसके अलावा कुछ किसान भाई केवल शैम्पू का ही छिड़काव अपनी फसल पर करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि शैम्पू का छिड़काव अपनी फसल में करने से फसल अच्छी होती है, हरी भरी होती है और शैम्पू फसल में टॉनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, कुछ लोगों ने जब शैम्पू का प्रयोग अपनी फसल में किया तो उनको अपनी फसल में कुछ नुकसान देखने के लिए भी मिले। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि हमें अपनी फसल में शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही किसान भाइयों, हम यह भी जानेंगे कि हमें अपनी फसल में किस समय और किन परिस्थितियों में शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। किसान भाइयों, शैम्पू जिस प्रकार बालों की धुलाई करके उन्हें साफ करता है, उसी प्रकार जब इसका छिड़काव हम अपनी फसल में करते हैं तो यह फसल की पत्तियों को साफ कर देता है, जिस वजह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी धूप से पौधों के लिए भोजन बनने की प्रक्रिया अच्छे ढंग से होती है, जिससे हमारी फसल हरी भरी बनती है। तो इसका प्रयोग हम ऐसे स्थानों पर कर सकते हैं धूल मिट्टी ज़्यादा होती है। साथ ही किसान भाइयों, जिन स्थानों पर धूल का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ पर फसलों में अक्सर माइट यानी मकड़ी का प्रकोप भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ऐसे स्थानों पर जब आप शैम्पू का प्रयोग अपनी फसल में करेंगे तो शैम्पू के छिड़काव से पत्तियाँ तो साफ होंगी ही। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपकी फसलों में माइट यानी मकड़ी, मिलीबग और किसान भाइयों कुछ हद तक वाइट फ्लाई आदि कीटों से भी छुटकारा मिलता है। किसान भाइयों, वैसे तो शैम्पू का प्रयोग सभी फसलों के साथ किया जा सकता है, पर अगर इसका प्रयोग सब्जी वर्गीय फसलों में किया जाए तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्रयोग की अवस्था की बात करें तो किसान भाइयों, फसल में 20-25 दिन की होने के बाद से लेकर फसल की हार्वेस्टिंग होने से लगभग 10-15 दिन पहले तक हम अपनी फसल में शैम्पू का प्रयोग करें तो वह हमारी फसल के लिए लाभदायक रहेगा और उसका अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि क्या हम अपनी फसल में स्टिकर की जगह शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शैम्पू पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिस वजह से यह पानी को फैलाता है। हालांकि इसका रिजल्ट सिलिकॉन बेस स्टिकर जितना तो नहीं मिलता। किसान भाइयों, वैसे तो सबसे अच्छा स्टिकर सिलिकॉन बेस स्टिकर ही होता है जो दवा को पत्ते पर अच्छी तरह से फैलाता है और पत्ते पर दवा को कुछ समय के लिए चिपकाए रखता है, जिससे दवा का रिजल्ट बढ़ जाता है। शैम्पू का प्रयोग हम पूर्ण रूप से सिलिकॉन बेस स्टिकर की जगह नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट सिलिकॉन बेस स्टिकर से कम ही मिलेगा। वैसे किसान भाइयों, हमें शैम्पू का प्रयोग अपने हर स्प्रे के साथ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बारिश के मौसम में या फिर ज़्यादा कोहरे के समय में अगर आप अपनी फसल में किसी दवा का छिड़काव करते हैं तो उस समय आप शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा धूप के समय अगर आप अपनी फसल में किसी दवा का छिड़काव करते हैं तो उस समय शैम्पू का प्रयोग न करें। साथ ही किसान भाइयों, जिन दवाओं की ओवरडोज से हमारी फसल में नुकसान हो सकता है उन दवाओं के साथ तो शैम्पू का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फसल में अगर आप खरपतवार नाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों में शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं तो फसल की हार्वेस्टिंग से अन्यथा इन सब्जियों को खाने वालों को लूज मोशन की समस्या हो सकती है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही शैम्पू का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि हमारे कुछ किसान भाई सोचते हैं कि शैम्पू का प्रयोग सस्ता पड़ता है तो वह हर दवा के साथ शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, खेती में शैम्पू से जुड़े सभी सवालों की आपको जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा किसान भाई, अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का बिल्कुल उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।